हाल ही में आप लोगों ने देखा है कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार सर डेविड एटनबरो को दे को एक आभासी समारोह में 2019 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। एक बात और याद रखिए, अभी आपके जितने भी खेल पुरस्कार दिए गए हैं, चाहे फिर आपने देखे हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की बात कर लीजिए, ये सभी आभासी समारोह में ही दिए जा रहे हैं एक तरह से, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कोरोना महामारी चल रही है, इसको ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो इस नाम को याद रखिए, प्रीलिम्स में आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं, वन डे एग्जाम में भी, लेकिन एमपीपीएससी या यूपीपीएससी या सिविल सर्विस में प्रीलिम्स में पूछ लेता है सर डेविड एटनबरो। ठीक है, अगर इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की बात करें तो शांति, निःशस्त्रीकरण और एवं विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर एक वार्षिक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। आपको यहाँ इंदिरा गांधी के बारे में बता दूं तो आप जानते हैं कि हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, एकमात्र अभी तक तो यही प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कोई महिला प्रधानमंत्री बने, लेकिन अभी तक यही है। इनका जन्म आप देखते हैं कि 19 नवंबर 1917 में हुआ था और इनकी मौत हुई थी 31 अक्टूबर 1984 को। ठीक है, देखा होगा 1984 में इनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, यह पुरस्कार 1986 से प्रत्येक वर्ष इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के रूप में एक प्रशस्ति पत्र और 25 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। कितने? 25 लाख रुपए। यह पुरस्कार व्यक्तियों संगठनों द्वारा किए गए निम्नलिखित रचनात्मक प्रयासों के लिए प्रदान किए जाते हैं। इसमें आप देखेंगे नए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक क्रम का सृजन करना, वैश्विक शांति व विकास को बढ़ावा देना, यह सुनिश्चित करना कि वैज्ञानिक खोजों का उपयोग मानवता के लिए किया जाए और स्वतंत्रता के दायरे को बढ़ाया जाए, इन्हीं क्षेत्र में दिया जाता है। अगर आपके सर डेविड एटनबरो के बारे में बात करूं तो सर डेविड एक अंग्रेजी प्रसारण करता है और प्राकृतिक इतिहास ज्ञानी है। इन्हें बीबीसी नेचुरल हिस्ट्री यूनिट को लिखने और प्रस्तुत करने के लिए सबसे अधिक जाना जाता है। किसे? सर डेविड को। जीवन जीवन संग्रह का सृजन करने वाली 9 प्राकृतिक इतिहास की डॉक्यूमेंट्री श्रृंखला जो एक साथ पृथ्वी पर जानवरों और पौधों के जीवन का व्यापक सर्वेक्षण करती है, इन्हीं की है। ठीक है, इन्होंने पृथ्वी की जैव विविधता को संरक्षित एवं सुरक्षित करने की आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता करने और सभी जीवों के साथ एक स्थायी और सामंजस्यपूर्ण तरीके से रहने के लिए कार्य भी किया है। अगर आपको बात बताऊं कि 2019 से पहले इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के बारे में बात करूं तो 1986 में पार्लियामेंटेरियन फॉर ग्लोबल एक्शन नामक एक गैर लाभकारी संगठन को दिया गया था, तो पहले वाले को भी याद रखना। 1989 में यूनिसेफ को दिया गया था, 1999 में M.S. स्वामीनाथन को दिया गया था, 2003 में कोकी अन्नाथ को दिया गया था, 2014 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो को दिया गया था, 2015 में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त को दिया गया था और 2018 में विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र को दिया गया था। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं, कम ही मतलब बार दिया गया है लेकिन आपका पूछने की पूरी संभावना रहेगी इनसे। ठीक